Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed exercise proceed chapter 14, जिसमें हम लोग exercise को कर रहे थे. Exercise में ये हमारा हो चुका था. आज start करेंगे हम exercise 20. Exercise B को देखते हैं. B में लिखा है underline the action words. इसमें जो action words हैं, उन्हें हमें underline करना है. पहला सेंटेंस है, वन डे रोबर्ट्स एंटर्ड अ हाउस. ये सेंटेंस हमारा वन डे रोबर्ट्स एंटर्ड अ हाउस. इन सेंटेंस में हमें एक्शन वर्ब को पता करना है. इसमें एक्शन को करने वाला कौन है? रोबर्स. रोबर्स कहते हैं चोर. चोर चोरों ने कैसा काम किया है? इंटर दाखिल होने का काम किया है. इसमें घर में तो कैसा एक्शन किया है? दाखिल होने का या अंदर जाने का. तो हमारा एक्शन वर्ब क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा. इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे. अब बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ. सेकंड सेंटेंस में हमारा लिखा हुआ है दे लूटेड मनी. दे लूटेड मनी. वे मनी को लूट लिए. यहाँ पर जो एक्शन हुआ है वो लूटने का हुआ है. यहाँ पर जो एक्शन वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा? लूटेड. अब थर्ड सेंटेंस की तरफ आते हैं. थर्ड सेंटेंस का आपका है नेक्स्ट दे टायर्ड ऑफ द फैमिली. आगे उन्होंने फैमिली को टाइप कर दिया, बांध दिया. तो यहाँ पर जो एक्शन हुआ है वो टाइप कर देगा हुआ है. तो यहाँ पर जो एक्शन वर्ड है वो है टाइप ऑफ. इसी तरह से इसके फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ को भी आप कर लेंगे. ये एक्सरसाइज थ्री. अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज थ्री. एक्सरसाइज सी की बात की जाए तो एक्सरसाइज सी है अंडरलाइन द राइट वर्ड्स इन द ब्रैकेट. इसमें जो ब्रैकेट में आपके तीन वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से जो आपको करेक्ट लगता है उसको आपको अंडरलाइन करना है. जैसे पहला है फिश, ब्रैकेट में आपका स्किन, वॉक से. फिश इन वाटर. अब यहां पर फिश की बात हो रही है कि फिश वाटर को क्या करती है? स्विम करती है, वॉक करती है या सेल करती है. तो हम जानते हैं कोई भी लिविंग थिंग्स पानी में क्या करती है? स्विम करती है, तैरती है. यहां पर जो अंडरलाइन करेंगे वो क्या होगा? स्विम होगा. वॉक चलना चलेगा तो है नहीं, तो पहले आप स्विम को अंडरलाइन कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ. सेकंड सेंटेंस आपका है द सन डेज इन द वेस्ट. सन जो है वेस्ट में क्या होता है? राइजेस, साइंस, शेड्स. अभी तीनों की मीनिंग आपको आनी चाहिए तभी कर पाएंगे. राइजेस मतलब उगना, साइंस मतलब चमकना, सेट मतलब डूबना. तो हम जानते हैं वेस्ट की बात हो रही है. वेस्ट में सूरज क्या करता है? डूब जाता है. डूबने के लिए क्या वर्ड आएगा? द सन सेट्स इन द वेस्ट. उसके बाद थर्ड को देखते हैं ट्रेन रन ऑन बेस्ट. अब ट्रेन दौड़ती है, ट्रेन चलती है किस पर? रोड पर चलती है, रेल पर चलती है, वाटर पर चलती है. बताइए ट्रेन किस पर चलती है? ट्रेन हम जानते हैं रेल पर चलती है. जो रेल पटरी जिसे हम कहते हैं उन पर ट्रेन चलती है. इसी तरह से इसके फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो है उनको भी आप कंप्लीट कर लेंगे. तो ये क्लास में ये